गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, दिस इज अयाज अहमद। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट एविडेंसेस ऑफ बायर्स थ्योरी एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ बायर्स थ्योरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी फेल्स। बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी क्यों फेल हुई, अब यहाँ देखते हैं। बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू रिंग लार्जर देन 4 मेंबर। अब यहाँ पर आप बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी में आप कब तक अप्लाई कर सकते हो उसको, जब उस इसके अंदर साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेंथ कितना है 60, इसके अंदर 90, इसके अंदर 180 साइक्लोपेंटेन। बट यहाँ पर आते हैं साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लो डेकालिन, मतलब 10 कार्बन की जो रिंग होती है इसमें, ये क्या होता है 120 हो जाता है एंगल, और यहाँ पर 144। तो एंगल स्ट्रेंथ कब तक, कहाँ तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के, क्योंकि बायर थ्योरी का मेन फंडा क्या है, वो बेस ऑन बायर थ्योरी इज बेस्ड ऑन एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी। एंगल स्ट्रेंथ, यस, एंगल स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होंगी जभी तक ही वो अप्लीकेबल है, आगे आप उसको अप्लाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन में क्या, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल है, और ये क्या है आपका हाईली स्टेबल। तो यहाँ पर डेकालिन और इसके केस में, सॉरी डेकालिन मतलब 10 कार्बन का साइक्लोअल्केन, और है साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन का साइक्लोअल्केन, यस। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप साइक्लोअल्केन बायर्स थ्योरी कहाँ पर फेल होती है, अप टू ये यहाँ पर 4 मेंबर रिंग तक ही वो सक्सेसफुल है, बिकॉज ऑफ फॉल्स कंपाउंड वेयर फ्लैट प्लेनर। अब आपने कंपाउंड देखा है, ये क्या है साइक्लोअल्केन, ये साइक्लोहेक्सेन क्या है C6H12। जब इसको आप वन आय क्लोज करके देखेंगे, फ्लैट करके वर्टिकल इस तरीके से, अभी क्या है ये साइक्लोहेक्सेन ऐसे है आपके फ्रंट में, यस। तो यहाँ पर आपको लग रहा है ये हैंड के, आपको हैंड देखना है, यस, ये आपको हैंड दिख रहा है, तो ये फ्रंट साइड से, बट आप उसको इस तरीके से जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करेंगे, आड़ा करेंगे, तो ये लगेगा प्लेन, एक प्लेन में, यानी मेरी सभी उंगलियाँ, ये क्या है मेरी तमाम ही फिंगर्स क्या है वो किस में गई है, एक प्लेन में चले गई है, सभी वन आई क्लोज करके आप जब देखेंगे तो ये क्या होगा, एक प्लेन के अंदर है, आप फील कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पर द कंपाउंड वेयर फ्लैट प्लेनर, मतलब ये सारे कंपाउंड को जब आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये क्या हो जाती है, प्लेनर। द एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन आर 120। अब यहाँ देखना है 120 है एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, यस, एंड डैट ऑफ डेकागोन, यस, डेकागोन मतलब 10 कार्बन का, ये कार्बन उसका कितना है 144, यस। बट द रिंग एटम आर फोल्डेड इन सच अवे द रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल इस 109.5। अब आप, मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया कि कोई भी कंपाउंड को अगर फॉर्म करना है तो उसका कम से कम एंगल कितना चाहिए, 109.5, यस। बट यहाँ पर इसके केस में क्या हो जा रहा है, ये मोर देन उससे ज़्यादा हो जा रहा है ना, 109 ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ऑफकोर्स ये ऑब्वियसली आपका ये दोनों कंपाउंड का बॉन्ड एंगल कितना है, एंगल स्ट्रेंथ ये इससे ज़्यादा है, 109 से ज़्यादा है 144, यस। सो क्या यहाँ पर क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब जो भी कंपाउंड आप बना रहे हो उसका एंगल बॉन्ड एंगल कितना, एंगल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए, 109.5, एंड हेंस फ्री फ्रॉम एनी एंगल स्ट्रेंथ, मतलब ये कंपाउंड क्या हो जा रहे हैं, हर तरीके के एंगल स्ट्रेंथ से मुक्त हो जा रहे हैं। यहाँ पर क्या एंगल स्ट्रेंथ 60 है, मतलब 109 से कम है ना, ये 60 है मतलब 109 से कम है, ये 90 है मतलब 109 से कितना कम है, 19.5 कम है, यस। तो ये यहाँ पर बायर्स थ्योरी प्रूव हो सकती है, बट यहाँ पर बायर्स थ्योरी का सवाल ही नहीं आ सकता, क्योंकि ये 109 से ज़्यादा है, कितना है 109 से ज़्यादा है, ओके। अब आते हैं हम यहाँ पर, अब ये पकरिंग किसको बोलते हैं, पकरिंग और एक टर्म और है पकरिंग, अब ये क्या है प्लेन में, अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से इंटरेक्ट होगा, ये हाइड्रोजन इनके साथ इंटरेक्ट होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे सभी हाइड्रोजन में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा मतलब रिपल्शन, तो फौरन क्या होगा साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में चला जाएगा, चेयर फॉर्म में, यानी ये क्या होगा अपना अपने शेप को इस तरीके से रखकर इस तरीके के फॉर्म में जाएगा, यस,
ये क्योंकि ये यहाँ पर अनस्टेबल होता है, ये हाइड्रोजन क्या करते हैं एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं और फौरन इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं पक्करिंग, पक्कर्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं? पक्कर्ड कन्फर्मेशन। यहाँ पर एक ये कार्बन, दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन आएंगे और टोटल यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन इस तरीके से, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन यहाँ पर और एक नीचे, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन। तो जैसे C6H12, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? पकरिंग। यस। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ साइक्लोहेक्सेन वेयर आर रियली फ्लैट, मतलब अगर वो फ्लैट रहेंगे, एज्यूम बाय बायर, देन अगर तो बायर ने एज्यूम किया, देन सर्टनली इट वुड हैव बीन एंगल स्ट्रेन बाय फोल्डिंग पकरिंग। यस। यानी वो फोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल बायर थेरी किसके भी ऊपर बेस है 109 डिग्री होना चाहिए, इससे कम रहेगा तो एंगल स्ट्रेन आता है। एंगल स्ट्रेन आना मतलब क्या होता है? कंपाउंड अनस्टेबल। बट यहाँ पर ये 109 डिग्री की तो बात ख़त्म हो गई, और यहाँ पर जो रिपल्शन होने के कारण जो आपका साइक्लोहेक्सेन है वो किस में चले जाता है? चेयर फॉर्म में। अब ये चेयर फॉर्म में जाता है तो इसका एंगल 109 डिग्री नहीं होता है। यस। 109 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है। यस। सो यहाँ पर आप बात खत्म, यहाँ पर पूरी तरीके से बात यहाँ पर खुल जाती है कि के बॉन्ड एंगल आपका 109 नहीं रहता है। यस। उससे ज़्यादा होता है। यस। साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड डेकेन रिंग आर नॉट फ्लैट। यानी इससे क्या पता चलता है कि जब अगर ये फ्लैट होते हैं प्लेनर फॉर्म में, तो ये पकर फॉर्म में नहीं जाते, चेयर फॉर्म में। मतलब इसका ये है कि ये नॉन प्लेनर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसका इंट्रैक्शन इसके साथ, ऐसे टोटल 12 हाइड्रोजन क्या करेंगे, उनका एक दूसरे से इंट्रैक्शन होगा तो ये चेयर फॉर्म में चले जाएंगे। मतलब ये प्लेनार फॉर्म में नहीं है, ये अनस्टेबल है। जब ये अनस्टेबल हो रहे तो क्या हो रहा है, ये फौरन चेयर फॉर्म में चले जा रहे हैं। मतलब ये अनस्टेबल है, और चेयर फॉर्म सबसे, चेयर फॉर्म में जाना मतलब इस कंपाउंड की अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। यस। क्या हो रहे हैं यहाँ पर? पकर्ड फॉर्म में जा रहा है। देन ईच बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन कैन बी X159। मतलब आप इस बायर से स्ट्रेन में क्या है, 109 डिग्री होना चाहिए था, कितना? 109 डिग्री। तो आप आफ्टर साइक्लोस, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये पक्कर कन्फर्मेशन में जाने के बाद हर हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा वो कितना रहेगा? 109 डिग्री रहेगा। यस। ओके। ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यस, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल 109 रहेगा। यस। ओके। एंड द साइक्लोप्रोपेन रिंग इज रियली कम्प्लीटली प्लेनार। यस। साइक्लोप्रोपेन रिंग इज रियली प्लेनार। ओके। हम इसको स्ट्रक्चर बना कर देखते हैं। CH2 C। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, इस तरीके। तो यहाँ पर क्या, ये प्लेनार है, रियली प्लेनार है। बट साइक्लोहेक्सेन आपका क्या है? नॉन प्लेनार है, क्योंकि ये फौरन क्या हो जा रहा है, अपने कन्फर्मेशन को चेंज कर रहे हैं और साइक्लो चेयर फॉर्म में चला जा रहा है। यस। साइक एंड यहाँ पर देख सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन एंड रिंग एंड साइक्लोब्यूटेन रिंग इज नियर प्लेनार। मतलब साइक्लोहेक्सेन के कंपेयर में आपका साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर प्लेनार इन नेचर, क्योंकि वो कोई कन्फर्मेशन चेंज नहीं कर रहे, यानी पकड़ कन्फर्मेशन में नहीं जा रहे हैं। यस। यानी इसके तरीके से वो चेयर कन्फर्म नहीं बना रहे, बल्कि साइक्लोप्रोपेन को जब आप बनाते हो तो वो साइक्लोप्रोपेन फॉर्म में ही होता है, वो चेयर फॉर्म में नहीं जाता है। यस। अब आते हैं यहाँ पर, इफ़ लार्ज रिंग आर स्टेबल, वाई दे आर। मतलब आप एक से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा कार्बन है। यस। ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, यहाँ पर ये, तो ये क्या है, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे, 5, 6, 7, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं जैसे जैसे कार्बन, क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ 60 से बढ़ता जाता है और साइक्लोडेकेन में कितना होता है, 144 होता है। यस। तो स्टेबल होता है। डिफिकल्ट
इफ लार्ज रिंग आर स्टेबल व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज बायर्स विल कम टू अक्रॉस बायर सेकंड अजम्पशन कंपाउंड इज डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज डज नॉट नेसेसरी मीन्स इट इज अनस्टेबल। मतलब कंपाउंड आपने यहाँ पर देखा है क्या है, ये कंपाउंड आप साइक्लोप्रोपेन हाईली अनस्टेबल है, उसके बाद ये भी उससे कम है, ये हाईली अनस्टेबल, ये उससे ज़्यादा स्टेबल थोड़ा, फिर उसके बाद ये भी इससे ज़्यादा स्टेबल, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है। यस, बट यहाँ पर केस क्या है, ये कोई अपना कन्फर्मेशन चेंज नहीं करता, ये भी अपना कन्फर्मेशन नहीं चेंज करता। यहाँ पर आपने जैसे साइक्लोब्यूटेन के केस में, साइक्लोहेक्सेन के केस में देखा पकर कन्फर्मेशन, तो ये क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की वजह से यहाँ रिपल्शन होता है और यह क्या होता है अपना कन्फर्मेशन चेंज करता है। बट साइक्लोहेक्सेन रियली देखा जाए तो ये 60 एंगल होता है तो ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, बट इसका प्लेनर चेंजेस नहीं होता है, मतलब ये चेयर कन्फर्मेशन लाइक ऐसे कोई अपने शेप को चेंज नहीं करता। तो बायर्स थ्योरी के हिसाब से क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो साइक्लोहेक्सेन को होना चाहिए, मगर साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन होने के कारण क्या होता है, वो अपना चेयर अपने आप को चेंज करता है और चेयर कन्फर्मेशन में जाता है। बट सबसे ज़्यादा बायर ने किसको बताया, इसको बताया, बट वो अपना कन्फर्मेशन चेंज कर दे रहा है, और सबसे अनस्टेबल किसको बताया, साइक्लोप्रोपेन को, बट ये अपना शेप को चेंज नहीं करता, यस अपने शेप को चेंज नहीं करता, यानी दोनों तरफ ही क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम है कि आइदर इसको ज़्यादा स्टेबल बोलो या इसको स्टेबल, एंगल स्ट्रेन के हिसाब से ये अनस्टेबल है और पकड़ कन्फर्मेशन मतलब इसकी वजह से ये अनस्टेबल है, यस, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसको एक एक सिर में नहीं रखने देती, यस, एक एक वन सिचुएशन में नहीं रखती, फौरन चेंज कर देती है चेयर बोर्ड, यस, हाफ चेयर फॉर्म में, यस। तो देखा जाए तो एंगल स्ट्रेन के हिसाब से ये सबसे अनस्टेबल है और पकड़ कन्फर्मेशन के हिसाब से ये नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल, और पकड़ कन्फर्मेशन के हिसाब से जाए तो ये प्लेनार मॉलिक्यूल है, ये प्लेन नॉन प्लेनार रहेगा, ये प्लेनार रहेगा, और ये सबसे ये अनस्टेबल रहेगा प्लेनारिटी के हिसाब से, ये अनस्टेबल रहेगा और ये प्लेनारिटी के हिसाब से ये स्टेबल रहेगा, बट एंगल स्ट्रेन के हिसाब से आपका ये जो है साइक्लोप्रोपेन ये अनस्टेबल रहेगा और साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, दो केसेस मैंने बताए, यस। सो यहाँ पर देखें, फॉर रिंग क्लोजिंग द टू एंड ऑफ चैन शुड बी क्लोज, यानी सो शुड बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको क्या लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, CH2Y, Y मतलब थर्ड, मतलब ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, यस, CH2, मतलब ये क्या है, CH2 और ये थर्ड आइटम है, मतलब ये कायदे से देखा जाएगा तो CH3 लाइक मॉलिक्यूल है, क्या है, CH3 लाइक मॉलिक्यूल। अब इसमें से आपने क्या किया, इसको एक हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया, यस, अब इस दोनों को निकाल देंगे, अब इस हाइड्रोजन को आप यहाँ से निकालेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, CH2 और ये जो आपका ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट किससे कर रहे, इस डबल बॉन्ड को आपको निकाल देना है और इसको रिप्रेजेंट, इस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है रिंग के, समझ में आया आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं CH2, अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर भी हाइड्रोजन, अब इसको आप यहाँ से निकालेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, CH2, यहाँ पर मतलब दो आइटम निकलेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड लाइक वाइज, बट आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ ड्रॉ ना करते हुए इस तरीके से रिंग बना दे रहे हैं, यस, ओके, इस तरीके से, ओके, तो यहाँ पर वही केस है रिंग क्लोजिंग। फॉर सिंथेसाइजिंग लार्ज कंपाउंड एज लेंथ ऑफ सी चैन इंक्रीज, मतलब आप क्या कर रहे हो, ये दो मेंबर रिंग है, यस, दो मेंबर रिंग है यहाँ पर, अब ये आपने यहाँ का पाए बॉन्ड को रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रहे, अब वैसे ही आप क्या करेंगे, थ्री मेंबर रिंग लेंगे, यस,
फोर मेंबर, सॉरी। अब क्या होगा, ये एक एंड क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा ये एक एंड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यस। ये मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठकर इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से वाई वाई को निकाल दो, यस। तो ये डबल बॉन्ड मतलब यहाँ का एक सिंगल बॉन्ड रिंग बना रहे हो, उसके साथ साथ यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये एंड है, यस। इस एंड का ये क्या है आपका, इसी तरीके से का मॉलिक्यूल है, यस, इस तरीके का मॉलिक्यूल, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है, ये आपका एक मॉलिक्यूल, यस, एक मॉलिक्यूल आपका ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। तो अब क्या करेंगे आप, ये वाई को निकालेंगे, इस वाई को भी निकाल देंगे, यस, इस वाई को निकालेंगे आप, ये वाई को निकालेंगे और इस वाई को, एक दो, ये बाकी इसको रहने देंगे आप यहाँ पर, इस दोनों को रहने देंगे और इसको आप यहाँ से निकालेंगे तो अल्टीमेटली ये आइटम यहाँ पर ज्वाइंट होगा, यस। और बाकी यहाँ पर क्या होगा, रिंग फॉर्म होगी। अब इस वाई को निकालेंगे और इस वाई को निकालेंगे तो इनके अंदर रिंग फॉर्म होगी, ओके। सो विद दिस फ्यू पॉइंट आई एम गोइंग टू क्लोज माय लेक्चर, होप यू मे अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।